अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर व्यूअर्स के लिए आज की रेसिपी है बहुत ही ज्यादा मजेदार और क्रीमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम केक। देखें बहुत ही ज्यादा मजेदार और जायकेदार बना है, तो फिर आप ये केक कैसे बनाएं देखिए आगे वीडियो में, और साथ ही दुआ है कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत और खानों में जायका दे। तो चले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर करें और इस बेल के आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फौरन टाइम पे मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मिक्स करेंगे इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए एक बोल में मैंने लिया है मैदा 1 कप, कोको पाउडर 4 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि तमाम इंग्रेडिएंट्स एक जान हो जाए, और फिर मिक्स करने के बाद इसको साइड में करके मिक्स करेंगे हमारे केक के वेट इंग्रेडिएंट्स, जिनमें सबसे पहले मैंने लिए हैं अंडे 2 अदद, और इसके ऊपर ऐड करेंगे पाउडर शुगर 1 कप, और इसको बीटर की मदद से 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट बाद इसमें ऐड करेंगे दूध 1/2 कप। दूध के साथ हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि चीनी अंडे और दूध के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसका कोई भी दाना बाकी ना रहे। और देखिए जैसे ही ये मिक्स होता है तो फिर इसमें ऐड करेंगे ऑयल 1/2 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अब हमने इसको मजीद 1 मिनट लिए मिक्स कर लेना है कि ऑयल भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हमारे पहले से मिक्स किए हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसको स्पैचुला की मदद से ऐसा ऐसा फोल्ड कर लेंगे कि हमारा मजेदार केक का बैटर तैयार हो जाएगा। देखें बिल्कुल इस तरह से। तो बस अब हमने इसको बेकिंग पैन में ऐड कर देना है। बेकिंग पैन को मैंने पहले ही 1 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा सा ड्राई मैदा ऐड करके अच्छी तरह से डस्ट कर लिया था, जिसकी वजह से हमारा केक इस बेकिंग पैन में से बहुत ही आसानी के साथ बेक होने के बाद निकल जाएगा। तो बस अब इसको बेक करते हैं, जिसके लिए एक बड़े पतीले में स्टैंड रखकर उसको कवर करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर ही प्रीहीट कर लिया था, और उसमें बेकिंग पैन ऐड करने के बाद इसको कवर करके 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक होने देंगे। और देखिए 40 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा मजेदार चॉकलेट केक तैयार है। तो अब हमने इसको सेंटर में से कट करके 2 लेयर में तकसीम कर लेना है। देखें बिल्कुल इस तरह से। पहली लेयर को इसी तरह से ठंडा होने देंगे और दूसरी लेयर को मजीद 8 पीस में तकसीम कर लेंगे। देखें बिल्कुल इस तरह से। तो फिर इसको भी साइड में रख के रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा होने देंगे, और तैयार करते हैं इसकी फिलिंग के लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जिसके लिए एक बोल में मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम 400 ग्राम, और उसको फ्रीजर में रख के 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से चिल्ड कर लिया है। हमने इसको बीटर की मदद से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेना है। कि देखिए 2 मिनट में ही क्रीम कितना अच्छा व्हिप हो चुकी है। तो बस अब ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क 1/2 कप, स्ट्रॉबेरी प्यूरी 1 कप। स्ट्रॉबेरी प्यूरी के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी को ब्लेंडर में ऐड करके बिना पानी ऐड करे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। बस हमने इसको 1 मिनट के लिए इस व्हिप्ड क्रीम में मिक्स कर लेना है।
और मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे। जब तक हम कट कर लेते हैं हमारी स्ट्रॉबेरीज को, जिसके लिए मैंने लिया है स्ट्रॉबेरीज 1 पाव और इनको सेंटर में से इस तरह से कट कर लेना है। तो फिर इसको साइड में करके अब तैयार करते हैं हमारा बॉल, जिसमें हम हमारे केक को फ्रीज करेंगे। उसके लिए एक प्लास्टिक रैपिंग शीट से इस बॉल को कवर कर देना है। देखे बिल्कुल इस तरह से। इस प्लास्टिक शीट की वजह से हमारे केक को बाहर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बस अब करते हैं हमारे केक की असेंबलिंग, जिसके लिए स्ट्रॉबेरी स्लाइस को बॉल के सेंटर में रखकर इसकी वॉल्स के साथ लगाते हुए आधा फिल कर देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। और फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे हमारी बनाई हुई आइसक्रीम 3 स्पून। और इसको स्पैचुला की मदद से स्ट्रॉबेरी के ऊपर पतली लेयर की शक्ल में फैला देंगे। और फिर उसके ऊपर ऐड करेंगे केक की लेयर, जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया था, बिल्कुल इस तरह से। और फिर इसके अंदर फिल कर देंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम के फिलिंग के बाद अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस को इसमें इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और फिर मजीद आइसक्रीम ऐड करके इसकी लेयर को सीधा कर देंगे। और फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे हमारे केक की दूसरी लेयर, देखिए इस तरह से। तो बस हमारे केक की असेंबलिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि केक और आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए। और देखिए 6 घंटे बाद हमारा आइसक्रीम केक बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब इसको इस बॉल में से निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। माशाल्लाह से हमारा आइसक्रीम केक बहुत ही जबरदस्त बना है। तो फिर इसकी टॉप पे भी रख देंगे कुछ स्ट्रॉबेरीज और हमारा मजेदार केक तैयार है। तो इसको कट करते हैं। बहुत ही ज्यादा क्रीमी और मजेदार बना है। तो फिर मेरी रेसिपी के मुताबिक आप भी जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहे और उसे लाइक और अपनी फैमिली के साथ शेयर करते रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।